आप देख रहे हैं टीएच न्यूज 11। इस वक्त गढ़वा थाना अंतर्गत संग्रह में मौजूद हूं और यहां ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिला कि एक्सीडेंट में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का मौत हो गई है। तो इस घटना को जानते हैं कैसे हुआ और कहां पर हुआ। यहां ग्रामीण बहुत इकट्ठा है तो कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आइए चलकर आगे सबसे पहले तस्वीर दिखाइए यहां ग्रामीणों का और आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमलेश कुमार सिन्हा हुआ। यह बताइए कल जो घटना हुआ यहाँ, ये NH-75 मार्ग कहाँ से कहाँ तक यह जाती है? ये बेलचंपा से अटोला मुख्य मार्ग तक मझा रूट में जुड़ता है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़ा हैं, इस जगह कौन सा है? ये संग्रह कला टोला झपहा स्थल पर अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ एक्सीडेंट के विषय में आपको क्या जानकारी? यहाँ हमको सुनने में आया कि झपहा टोला में एक्सीडेंट हुआ लगभग शाम 6 बजे। तो हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि यहाँ के निवासी जो प्रकाश चौधरी हैं, कोई बाइक वाला अनजान आदमी मार करके धक्का चला गया है और इनका यहाँ पर स्पॉट है, उस जगह इनको फेंक दिया गया। कैमरामैन से कहेंगे कि आइए यहाँ पर स्पॉट है, रोड के जस्ट सामने यहाँ पर ब्लड भी है, इसको भी देखा जाए। यहाँ ब्लड जमा हुआ है और यहीं पर वो गाय बांधते थे अपना और उनको अंजाम जो दिया गया है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सूचना जो मिला है पुलिस प्रशासन को, वो स्पॉट पर उनको आना चाहिए था और उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए, पकड़ा जाए, निर्दोषी को पकड़ा नहीं जाए, जो दोषी है उसको पकड़ा जाए और कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। यहीं पर मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि, आइए इनसे जानते हैं कल जो घटना घटा, इस घटना के विषय में आप प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन से मैं ही आग्रह करना चाहेंगे कि प्रशासन इस घटना को संज्ञान में लेते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और दोषी को हाजत के अभी तक हवाले होना चाहिए, लेकिन अभी तक हाजत के हवाले नहीं है। प्रशासन कहीं न कहीं अपना कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं कर रही है, लेकिन हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसे दोषी को कठोर से कठोर सजा दिया जाए। चलिए, टीएच न्यूज 11 में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से कि दोषी को कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद।